नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल के कई सारे ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है कल से। तो अगर आप पहले से एक टिकट बुक करा रखे हो, आपको आगे चल के यात्रा करनी है उस टिकट में, पुराने टाइम टेबल के साथ में आपने टिकट बुक करा रखा है, तो इससे जुड़ी भी एक ज़रूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है गलतफहमी कुछ यात्रियों के मन में है, जिस वजह से यात्रियों के पैसे डूब रहे हैं। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जो है मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है हमेशा की तरह कि अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाएं, नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे पास रेलवे की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया था, और कई सारे यात्रियों के पास ये जो है टेक्स्ट मैसेज आया है, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर यानी कि कल से नया टाइम टेबल जो है लागू कर दिया गया है। तो आपको अगर यात्रा करनी है तो यात्रा से पहले अपने ट्रेन का नया टाइम टेबल देखकर ही घर से आप निकले। तो ऐसे में कई सारे लोगों का ये कहना है कि मैं पुराने टाइम टेबल के साथ में मैंने जो है टिकट बुक करा रखा है, और नया जो टाइम टेबल है वो 2-3 घंटे 4 घंटे लेट से अगर कोई गाड़ी खुल रहा है, तो क्या मैं उस टिकट का TDR फाइल कर सकता हूँ? तो जी नहीं, यहाँ पर गाड़ी जो है आपका लेट नहीं है, लेट अगर 3-4 घंटा है तब आप ऐसे में TDR फाइल कर सकते हो आपकी गाड़ी का। ये नया टाइम टेबल है, इसलिए यहाँ पे आप TDR फाइल करोगे तो आपको कोई भी रुपया नहीं मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, ये जो रेलवे ने मैसेज करके ये इस बात की जानकारी दी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि रेलवे ने यात्रियों का ख्याल रखा हुआ है। लेकिन रेलवे की एक लापरवाही के बारे में भी मैं आज आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। हालांकि इस बारे में जो है बात किया जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक ताज़ा मुद्दा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मेरे ही साथ में ऐसा कुछ हुआ है। मैंने एक ट्रेन में दोस्तों टिकट बुक करा रखा था, मतलब ट्रेन नंबर जो है 18029 शालीमार एक्सप्रेस जो है लोकमान्य तिलक से शालीमार तक आने के लिए मैंने एक टिकट बुक करा रखा था। आप देख सकते हैं ये मेरा टिकट है। इस गाड़ी की दोस्तों मैंने तो टिकट बुक करा दिया, उसके बाद मैंने इसमें देखा कि इसका टाइम टेबल क्या कैसा चल रहा है। तो जब इसका प्रीवियस रिकॉर्ड मैंने चेक किया तो मेरा तो दिमाग मतलब भैया हिल गया पूरी तरह से। जी हाँ, आप वेयर इज माई ट्रेन में जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाओगे तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड किसी भी गाड़ी का आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लो, ये ट्रेन जो है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड में आपको कैलेंडर से एक डेट ऐसे ही जैसे September 1 का जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 11:35 में इसको शालीमार में पहुँच जाना है, लेकिन ये गाड़ी जो है पहुँच रही है 3:30 बजे दिन में। चलिए, एक दिन कोई दिक्कत हुआ हो सकता है, कुछ मतलब प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से 11:30 की गाड़ी जो है 3:30 बजे शाम को पहुंची। चलिए, ये जो डेट है इससे अब मैं बदल देता हूं, ठीक है। अब मैं 20 तारीख करता हूं, 20 सितंबर। यहां पे आप देख सकते हैं 11:30 की गाड़ी 4:11 पे पहुंची है शाम को, मतलब कितने घंटे की देरी से ये पहुंच रही है। इसके बाद अगर हाल ही का मतलब आज का मैं एक दिन पहले का जो गाड़ी है वो जब पहुंची है तो आप देख सकते हैं 3:46 पे पहुंची है। ऐसा कोई दिन नहीं दोस्तों जब ये गाड़ी अपने टाइम पर पहुंचा हो, ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप किसी भी एक डेट को उठा के देख सकते हैं, इस गाड़ी का नंबर है 18029। आप चाहे तो अभी भी सर्च करके इसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जहां आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी किसी भी कोई भी ऐसा दिन, देखिए शाम को 5:15 कभी मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि रात को 9 बजे तक ये गाड़ी पहुंची है, मतलब 11:30 की गाड़ी इस रात को 9 बजे तक पहुंची है। तो आखिर रीज़न क्या है वो रेलवे बता दे तो वो बहुत अच्छा होगा, या तो फिर इस ट्रेन का टाइम टेबल को बदल के आप 4-5 घंटे देरी से ही कर दो, टाइम टेबल अपडेट कर दो, अभी तो बदला ही है हाल ही में, तो इसको भी आप अपडेट कर दो, या इस तरह के जो सारी गाड़ियाँ हैं जिन सारे रूट्स में जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ हैं जो हर रोज लेट से चलते हैं, तो उनका टाइम टेबल आप अपडेट करके बता दो, कम से कम यात्री अपने हिसाब से तो माइंड सेट हो जाएगा ना कि भाई हाँ चलो 4 घंटे बाद मेरी गाड़ी है, उस हिसाब से मैं आऊँगा घर से। अच्छा, ये तो हो गया टाइम टेबल से जुड़ा हुआ लापरवाही, और एक लापरवाही मैं आपको कल के एपिसोड में दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जहाँ रेलवे के जो IRCTC की जो कस्टमर केयर है वो लोग किस तरह से गलत जानकारी देते हैं। मैं लाइव कैमरा के सामने आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा वो लोग कैसे गलत इन्फॉर्मेशन यात्रियों को दे रहे हैं। और आज आप मुझे कॉमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या आपके रूट में कोई ऐसी गाड़ी है जो ऐसा लेट से चलती है, उसका नंबर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।